सो हेलो गाइस, इंस्टाग्राम पर ऐसे बहुत सारे फिल्टर हैं जो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। अगर आप रील सेक्शन पे जाएंगे तो ऐसे आपको बहुत ही सारे वायरल फिल्टर देखने को मिल जाएंगे, जो कि इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। ज़्यादा आपको एडिटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होने वाली है, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर बहुत सारे ऐप डाउनलोड करते थे एक फ़ोटो एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, एंड उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता था। बट अभी ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ऐसे बहुत सारे फिल्टर्स है जिसके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं। आप वो यूज़ करके अपना फोटो एंड वीडियो अट्रैक्टिव कर सकते हो। वीडियो या फोटो आप 2 सेकेंड के अंदर खुद से क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस, बात करेंगे इंस्टाग्राम के वायरल फिल्टर्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। सो गाइस, वो फिल्टर का नाम है स्वैप टी। आपको ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टाग्राम डाउनलोड करने का है। तो आपने अगर पहले से इंस्टाग्राम डाउनलोड किया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से बहुत सारे ऐप डाउनलोड करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए, तो सिंपली आपको इंस्टाग्राम डाउनलोड करके उसको ओपन करने का, एंड देन वहाँ पे आपको रील सेक्शन पे जाने का। रील सेक्शन पे जाने के बाद आपको 2 ऑप्शन रहेगा, गैलरी एंड कैमरा। तो सिंपली आपको कैमरे पे क्लिक कर लेने का है। कैमरे पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का सीन आएगा, जो कि अभी आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो सिंपली आपको इफेक्ट पे क्लिक करने का है। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस, आपको बहुत सारे फिल्टर्स आ जाएंगे, जो कि आपको वो नहीं यूज़ करने का। सिंपली आपको सर्च आइकॉन पे क्लिक कर लेने का है। सर्च आइकॉन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको टाइप करने का है स्वैप टी, SWAP स्वैप टी। तो यह टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सो गाइस, आपको ये क्लिक करने का है, जो अभी मेरे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप वो क्लिक करेंगे तो आप क्लिक करने के बाद वहाँ से आप अपना फ़ोटो एंड वीडियो एडिट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से। आपको ज़्यादा स्ट्रगल भी करने की ज़रूरत नहीं है।